132 अच्छे बल्बों में 112 खराब बल्ब धोखे से मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छे बल्ब, इतने अच्छे बल्ब 132, उसमें से 12 खराब बल्ब भी उसी में मिल जाते हैं। एक बल्ब यदि अच्छा निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि वह अच्छा होगा? अच्छा बल्ब होने की प्रायिकता निकाली, तो यहां पे लिखेंगे अच्छे बल्बों की संख्या, अच्छे बल्बों की संख्या। तो अच्छे बल्ब कितने हैं जी? 132 है। खराब कितने हैं? खराब बल्बों की संख्या, खराब बल्बों की संख्या कितने बल्ब खराब है? 12 है। कुल बल्बों की संख्या क्या हो जाएगी? कुल बल्बों की संख्या, कुल बल्बों की संख्या 132 और प्लस में 12, दोनों को जोड़ देते हैं, 144 हो जाएगा। फिर वही फॉर्मूला लिखेंगे, घटना 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 ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम यह होता है। चलिए, पहला क्या निकाला? पहला नहीं, इसमें दो क्वेश्चन ये एक ही है। क्या प्रायिकता है कि वह अच्छा हो, अच्छा बल्ब होने की? अच्छे बल्ब है 132 और टोटल बल्ब है 144। काट देंगे, आंसर आ जाएगा 12 से कट जाएगा सर, 12 बराबर 144 और 12 में 11 से गुना करेंगे तो 132 आ जाएगा। 11 बट्टा 12 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। समझ गए ना? क्वेश्चन नंबर